फ्रेंड्स वेलकम इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हम पार्ट 8 पढ़ रहे थे बंदरबांट। यह एक नाटक है जो हम पढ़ रहे थे। आई थिंक आपने यह नाटक पढ़ा होगा, बहुत ही मज़ेदार है। दो बिल्लियाँ काली और सफ़ेद आपस में रोटी के लिए झगड़ा कर रही थी और बंदर आता है बीच में उनका झगड़ा ख़त्म करने के लिए। वह अपनी अदालत में बिल्लियों को ले जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि वह अदालत में बिल्लियों को ले जाता है और उन्हें बोलने का मौका देता है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में है बंदर की कचहरी। बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली देखिए क्या कहती है, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? सफ़ेद बिल्ली, दो आंखों से, दो आंखों से। वो पूछ रहा है कि रोटी एक आंख से देखी या दो आंखों से तुमने, तो वो क्या बोल रही है? दो आंखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर तुम दोनों का था गवाह भी, दोनों बिल्लियाँ कहीं न कोई, कोई न कहीं कोई गवाह था क्या? बंदर पूछ रहा है तुम दोनों को किसी ने देखा था ये सब करते हुए? तो वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, दोनों बिल्लियों ने कहा। बंदर बात बराबर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। देखिए कैसे बंदर कर रहा है, एक पलड़ा ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। अब आगे देखिए बंदर क्या करता है। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। अब वह एक पलड़ा जब भारी था उसमें से टुकड़ा तोड़कर खा लेता है तो दूसरा पलड़ा भारी हो जाता है। अब देखिए बंदर क्या करता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पलड़ा, पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर, यानी कि जो रोटी खाई थी वह तो ऊपर हो गई, जो नहीं खाई थी वह नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। देखिए बंदर कितना चालाक है ना। जब दो दोस्त लड़ाई करते हैं तो तीसरे ऐसे ही चालाकी दिखाते हैं। देखिए बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मिला मलती हुई खड़ी उदास से एक दूसरे से देख, एक दूसरे को देखते हुए। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। है ना बंदर की चालाकी, बचा कुचा भी सारा खा लिया बंदर ने। अब देखना, इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने पर क्या होता। बंदर हड़पा रोटी। हरिवंश राय बच्चन की यह कविता है, सॉरी ये नाटक है हरिवंश राय बच्चन का।
बहुत ही अच्छा नाटक है। देखिए, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब दो लोगों में झगड़ा होता है और दो लोग जब आपस में झगड़ा करते हैं तो तीसरे को बीच में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर तीसरा बीच में आता है तो वह क्या करता है, अपना फ़ायदा देखता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका झगड़ा ख़त्म करेंगे। लोगों की आदत होती है झगड़ा बढ़ाने की, वो बढ़ाते ही हैं, कम करने वाले बहुत कम होते हैं। जिस तरह बंदर ने किया, उसने क्या किया, झगड़ा कम करने के नाम पे सारी रोटी खुद ने खा ली। ओके स्टूडेंट्स, तो इस नाटक को आप अच्छे से पढ़िए। नाटक को घर में कर भी सकते हैं आप, इंजॉय कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।